कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करते हो तुम लोग सारे ठीक हो गए। और यार नमाज का टाइम हो चुका है, टाइम हो रहा है 7:27 और 7:30 पे जमात है, तो मैं बस जल्दी जल्दी नहा के निकला हूँ। तैयार वापस होके आते हैं, मतलब वापस आके तैयार होते हैं, तो बस अभी निकलता हूँ नमाज के लिए। नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ तैयार वैर होके। तो गाइज वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बाय द वे मैं अभी भी नींद में बैठा हूँ। हाँ तो यार नमाज पढ़ के हम लोग आ चुके हैं। अब जो है वो भूख लग रही है तो क्या करते हैं, नाश्ता करेंगे उसके बाद देखेंगे। अब्दुल रहमान और अयान का कॉल आई थी उनकी, उन्होंने कहा कि पिक्चर्स लेने चलना है, तो ठीक है चलो वहाँ चलते हैं। पहले हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। तो खैर मैं एक बात तो बोलने ही भूल गया यार, तुम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, तुम लोगों को और तुम लोगों की फैमिलीज़ को, हर किसी को, रिलेटिव्स को, और जितने लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्लॉग देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आओ गले मिल लो यार। नहीं नहीं मिल लो यार। तो नहीं घर गले नहीं मिल सकते दूर दूर से यार। अल्लाह करे तुम लोग की ईद जो है बहुत अच्छी गुजरे। खैर नाश्ता करते हैं फिर आगे पीछे निकलने का देखते हैं क्या चक्कर है। तो बाय द वे एक और बात थी, वो ये थी कि यार, खैर यार वो बात ये थी कि ईद का जो दिन होता है ना, इस वक्त बंदा एक चीज़ का इंतज़ार करता है और जो चीज़ों से बहुत इमोशनल बना देती है, और मतलब वो साल में एक दफ़ा होती है और वो होती भी ईद के दिन है। वो ये है कि यार जब आप अपने वालिद साहब के गले लगो ईद के दिन, यकीन जानो वो क्या ही दिन होता है। दिन अच्छा गुजर जाता है यार ईद का सारा, और मज़े की बात है आपका दिल जो होता है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है, मतलब एक अलग ही वाइब्स आती हैं। उसके बाद घर आके अम्मा के गले लगो, यकीन जानो बस ये फीलिंग आप लोगों को खुद शेयर करनी चाहिए। गले जब लग रहे हैं ऐसा है कि हमारे तो चलो वालिद साहब हैं, हमारे तो माँ बाप हमारे साथ हैं, हमारे रिलेटिव बहुत सारे हमारे साथ हैं, कुछ हैं जो नहीं हैं, बाकी जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं और जिनके रिलेटिव्स वगैरह कोई मिसिंग है और उन्हें बहुत मिस कर रहे होंगे, आई नो। बाकी अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और खैर वो दुख तो आप लोग ही समझ सकते हो। खैर अल्लाह करे आप लोग की भी ईद बहुत अच्छी जाए। और जब भी देखते हैं नाश्ता वाश्ता करते हैं फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। यार रहमान की कॉल आई कि उसे ही भूख लग रही है, कह रहा है मैं घर पर नहीं जाना चाह रहा, तो तुम एक काम करो मुझे आके पिक कर लो, मैं तुम्हारे घर पर नाश्ता कर लेता हूँ। तो फैमिली का ही है, कज़न है मेरा, तो चलो फिर उसको लेके आ जाते हैं, इधर ही नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद आगे निकलते हैं पिक्चर्स के चलते। गर्मी बहुत हो रही है यार, यकीन जानो मेरा जो कपड़े हैं ना कॉटन के, बहुत गर्मी हो रही है, तो चलो चलते हैं। हाँ तो यार नाश्ता कर रहे थे, इस बंदे ने नाश्ता नहीं कर रहे थे, व्लॉग के बीच में कॉल करके बोल रहे मुझे लेने के लिए आ जा, नाश्ता तेरे घर पे ही कर रहा हूँ। नाश्ता नहीं कर रहे थे इस बंदे ने मेरे को, यार जल्दी हो गया। हाँ ना यार नाश्ता वाश्ता कर लिया, ये बंदा अटैच हो गया साथ यहीं पे, अयान यहीं पे अटैच हो गया। तो अभी जो है कब्रिस्तान आए थे, कब्रिस्तान दुआ हुआ की है, और अभी जो सीन है वो निकलने का है। तो ईद मुबारक बोल दो, अभी निकलते हैं आगे, फिर उसके बाद देखते हैं पिक्चर लेने के लिए कहाँ जाना है। ये बंदा जो अभी टोपियाँ करा रहा है। नहीं नहीं भाई, आपने सुबह हमारी बात पहले हुई थी, पहले हमारी बात हो चुकी थी सुबह नमाज के बाद। इस बंदे ने सुबह नमाज के बाद मुझे फोन किया, नाश्ता भी नहीं किया इसने, यकीन जानो। यार अभी देखते हैं कि नमाज के लिए कह रहा हूँ, अभी तो नमाज वमाज पढ़ ली है, तो अभी चलते हैं पिक्चर्स लेने के लिए, फिर देखते हैं आगे क्या सीन। तो यार हम लोग यहाँ पे आए हुए थे पिक्चर्स लेने के लिए, हमें चाहिए थी कोई रैंडम लोकेशन, तो हम लोग की जगह इन लोगों ने बड़ी तरीके की जगह यहाँ बनाई हुई थी, तो हम शूट करने के लिए आ गए। तो अभी जो है वो यहाँ पे शूट चल रहा है। अच्छा हम लोग फ़ोन से ही करते हैं, हम लोग कैमरे वैमरे यूज़ नहीं करते भाई, हम लोग के आईफोन ही काफ़ी है। आईफोन का शशका मारो भाई, आईफोन का शशका। तो खैर अभी जो है शूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। वैसे तो यार गर्मी बहुत है, कहीं जाने का मूड वूड तो मेरा घर नहीं रहा, तो देखते हैं क्या करते हैं, ऐसे तो घर निकलने का इलाज है, तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। तो मिलता हूँ फिर आप लोगों से घर जाके। तो यार टाइम हो रहा है 11:37 और हम लोग जो हैं वो इस वक्त बैठे हैं अब्दुलरहमान के घर पर, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है, कुछ कर भी नहीं सकते, तो
इस वक्त आना जाना भी इसलिए मुश्किल लग रहा था कि गर्मी बहुत है बाहर। तो यार अभी हम लोग इधर ही आ, ये बंदा बैठा हुआ इधर और ये भाई आया मेहमान अब्दुल्ला, हाय करो। सो बस अभी यही सीन चल रहा है यार, ये धूप बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो अभी देखते हैं कि सीन बनता है जाने का, तो फिर हम लोग वहाँ निकलते हैं बाहर, फिर देखते हैं क्या बनता है। बाकी तुम लोग ही कैसे गुजर रही है यार, ये बिल्लियाँ देख लो तुम लोग यार। तीन बच्चे और तीनों बड़े प्यारे हैं यार। भाई तुम कहाँ जा रहे हो नीचे, तुम्हारे तो अलग ही सीन चल रहे हैं, ये अपने ही मजे में लड़ते हैं भैया, बहुत लड़ते हैं। मुझे ये प्यारी लगी सबसे यार। तो यार सीन ऐसे है कि हम लोग आए थे बाहर, बोरियत हो रही थी, तो हम लोग जरा दो दरिए के चक्कर मारा, सीवीओ भी घूमे। यकीन जानो सीवीओ पे जो है टोटली 100% शपाटर बाइकों पे यार, ये सारे शपाटर यहाँ पे, सारे शपाटर बाइकों पे भंग 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 भंग, कोई बच्चियों के साथ घूम रहा है कोई, क्या अजीब ही है चक्कर चल रहे सीवीओ पे। इन लोगों की ईद है यार, हमारी क्या ईद गुजर रही है, घर में बैठे हम लोग क्या ईदें गुजार रहे हैं यार। खैर अभी हम लोग जो है वो घर की तरफ निकल रहे हैं, घर पे खाना जो है वो तैयार है, तो अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। तो जो हमारे मेहमान आए हुए थे, हाँ भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओ भाई तेरी भी ईद है, गजब बेइज्जती है। हैं? हेलो आपसे बात कर रहा हूँ। यार ये भी कसम से शुगल है, ये ऐसा शुगल है ना, ये पूरी फिल्म ही। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो कैसे हो यार तुम लोग, असल में हुआ कुछ यूँ कि यार मैं सारी रात का जागा हुआ था, तो तकरीबन 4 बजे मैं घर पर आया हूँ अब्दुलरहमान को छोड़ के घर से। घर पे आके मैं जो है वो लेटा सोने के लिए, अलार्म लगाया 6 बजे का, तो भाई यकीन जानो वो 6 बजे ही नहीं मेरे, और अभी जो है टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, और अभी मेरी आँख खुली है कि जब सारे फैमिली वाले आए हुए थे, सब कुछ हुआ घर पे, और यकीन किसी ने उठाया तक नहीं मुझे। गजब बेइज्जती है, कैसी गुजरी है भाई सो सो के समझ ही नहीं आ रही, 4 बजे सोया था और अभी 1 बज रहा है, मतलब ईद का पहला दिन तो समझो ऐसे ही निकल गया मेरा। और क्या बोलूँ यार, दुख भी हो रहा है। तुम लोग की ईद तो अच्छी गुजर गई ना यार, तुम लोगों ने घूम लिया, आगे पीछे निकल गए, भाई तुम लोग अच्छे हो, मुझसे तो बहुत बेहतर हो यार, मेरी तरह सो सो के तुम लोगों ने ईद तो नहीं गुजारी यार। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। भूख भी बहुत लग रही है, दोपहर को 1 बजे खाना खाया था अब्दुलरहमान के घर, उसके बाद खाना नहीं खाया। खैर यार तुम सबको बहुत बहुत ईद मुबारक यार, खैर दूसरा दिन शुरू हो गया, तो क्या बोलूँ, नहाते कपड़े वपड़े थोड़ा चेंज करते हैं, बल्कि नहीं करते, मैं सोच रहा हूँ फिर से सो जाऊँ एक इंजन, अब सुबह जाना है बाबा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, नींद पूरी नहीं होगी तो। अभी देखते हैं खाना वाना खाते हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं भाई से, फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्या बनता है। बाकी यार यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत सॉरी आज का जो व्लॉग था, जब तक के लिए भाई को इजाज़त दो यार।
क्या कर सकते हैं, सो गए थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।